तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से एक चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी A22 5G स्मार्टफोन होगा। और यहाँ पर इसका एक 4G वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, और ये स्मार्टफोन रियलमी 8 5G को टक्कर देने वाला है। और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल जाएंगे, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A22 5G और 4G की स्पेसिफिकेशन और प्राइस के साथ इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक माइंड यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही टेक वीडियो आपको फ्यूचर में दे सके। सबसे पहले बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A22 5G के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का 5G चिपसेट मिलेगा, और ये चिपसेट आप रियलमी 8 5G में भी देख चुके हैं। वहीं पर इसके 4G वेरिएंट में मीडियाटेक हेलियो G80 का चिपसेट मिलने वाला है। इन दोनों स्मार्टफोन में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, तो परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके 5G वेरिएंट में 6.4 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले होगी, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ इसके 4G वाले वेरिएंट में 6.4 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, जो कि फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आएगा। दोनों ही डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर इसके 5G वेरिएंट में एक AMOLED डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी, जो कि एक माइनस पॉइंट है। चलिए और बात करते हैं इनके कैमरास के बारे में। तो इसके 5G वेरिएंट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, प्लस वाइड एंगल लेंस प्लस डेप्थ लेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके 4G वेरिएंट में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, प्लस वाइड एंगल लेंस प्लस डेप्थ लेंस प्लस यहां पर एक माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। बैटरी और चार्जिंग की बात करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर 5000mAh की बैटरी मिलेगी, और चार्जिंग के लिए बॉक्स के अंदर 15W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट और प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसकी 5G वेरिएंट की बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 13,000 से लेकर 15,000 के बीच में हो सकती है। दूसरी तरफ इसके 4G वेरिएंट की बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में होने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है इन स्मार्टफोन की प्राइस कितनी हो सकती है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। क्या आप लोग इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं? इसके अलावा अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।